गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड शुरू कर लिया था हमने, हाउ आवर बॉडी वर्क्स, जिसका आज हम पार्ट सेकेंड देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बोन्स, हाउ मेनी बोन्स एंड हाउ मेनी मसल्स, इस बारे में डिस्कस किया था। और जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है वो किस तरह से हमें, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से यूज में आते हैं, इनका डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स। किसका देखेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स बोलो, इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलो, चलेगा। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? द बॉडी पार्ट्स विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, जो हम बाहर से देख सकते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। और जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, अब देखो, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कवर्ड विद द स्किन, कुछ बॉडी पार्ट्स है जो स्किन से कवर हुए हुए रहते हैं, वी कैन नॉट सी देम, हम उनको नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। इंटरनल मीन्स आंतरिक, अंदर वाले पार्ट। द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ये सारे हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स वर्क टूगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ये दोनों बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, तब हमारी बॉडी क्या रहती है? जीवित रहती है, जिंदा रहती है, एक साथ वर्क करने पर। अब सबसे पहले हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स का पहला बॉडी पार्ट देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन। ब्रेन कहाँ पे होता है? यस, ये हेड है, हेड के अंदर इनसाइड क्या होता है? ब्रेन होता है। द ब्रेन इज इनसाइड द हेड, इनसाइड द हेड कहाँ होता है? इनसाइड द हेड, हेड के अंदर के साइड में रहता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड टू रिएक्ट, वो भी किसमें? विचार करने में, सोचने में और रिएक्ट, प्रतिक्रिया करने में हेल्प करता है। थिंक टू थिंक एंड टू रिएक्ट, ओके, टू थिंक एंड टू रिएक्ट। इट आल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स, ये हमारे फीलिंग्स पर भी कंट्रोल करने का काम करता है, अपनी पूरी बॉडी, जो पूरी बॉडी का कंट्रोल जो है वो अपने ब्रेन पर, ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, हमारी फीलिंग्स ब्रेन से कंट्रोल होती है, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। नेक्स्ट है हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय, द हार्ट इज इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट कॉर्नर में हार्ट रहता है। इट इज लाइक पंप, ये पंप की तरह काम करता है, एंड इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? ये हार्ट, हार्ट ये एक पंप की तरह दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, ये पंप से ब्लड पहुंचाने का काम करता है, यानी ये पंपिंग होती रहती है, उससे ब्लड अपने पूरे बॉडी पर, बॉडी तक पहुंचाता है। अब देखो, ये हार्ट कहाँ पे है? लेफ्ट कॉर्नर, ऑफ द चेस्ट, ऑफ द चेस्ट, ओके। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े, लंग्स मीन्स
फेफड़े। हाँ, ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स होते हैं। द लंग्स हेल्प अस टू बॉडी टू ब्रीथ, लंग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर फील्स इन टू लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर हवा भर जाती है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर कम्स आउट द लंग्स, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो लंग्स के अंदर हवा जमा रहती है वो सारी निकल जाती है। देखो, हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर सांस छोड़ते हैं, यस, यानी हवा निकल जाती है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक यूज, देखो, वी हैव, सबके हैं पेट, यस, इट लुक लाइक अ बैग, एक बैग की तरह दिखाई देता है, ये दिख रहे हैं आपको बैग की तरह, यस। द फूड वी गो इट गोज इन टू द स्टमक, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक। द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और इसी स्टमक की वजह से हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेशन करने का काम ये स्टमक करता है। देखो, ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी अपने हो चुके हैं। ब्रेन देखा, ब्रेन इनसाइड द हेड है, वो थिंक एंड रिएक्ट करने में हेल्प करता है। हार्ट क्या है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेस्ट, ये एक पंप की तरह काम करता है, जो पंप के है अपने पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। नेक्स्ट है लंग्स, जो हमें ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या हो जाते हैं, फुल जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है। और स्टमक ये जो है ये सबके पास है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा उस स्टमक के अंदर जाता है, और जो खाना खाया हुआ होता है उसको डाइजेशन करने का काम ये करता है। अब आज हम ये सोपोनियो बुक पेज नंबर 12 इंटरनल पार्ट्स एंड देयर यूज, ये हम रीड करेंगे, ठीक है। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक पेज नंबर 12। एक्सटर्नल पार्ट्स का यूजेस हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट इंटरनल पार्ट्स एंड देयर यूज, इंटरनल पार्ट्स एंड देयर यूज। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कवर्ड विद द स्किन, कुछ अपने बॉडी के पार्ट्स जो किससे होते हैं, स्किन से कवर हुए हुए रहते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट सी देम, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, जिसे हम बाहर से देख नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। एज कौन कौन से, देखो, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा। ब्रेन अपने स्कल के अंदर है, स्कल के ऊपर स्किन लगी हुई रहती है, उसके ऊपर हेयर आते हैं। लंग्स अपने चेस्ट के अंदर की साइड में रहते हैं। हार्ट, हार्ट भी ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स दोनों एक साथ काम करने से हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। फर्स्ट इंटरनल पार्ट्स इज द ब्रेन इज इनसाइड द हेड। ब्रेन कहाँ पे है, हेड के अंदर की साइड में है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड टू रिएक्ट, ये हमें मदद करते हैं सोचने में और रिएक्ट करने, प्रतिक्रिया देने में हमें हेल्प करते हैं। इट आल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स, और ये अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हार्ट, द हार्ट इज इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट कॉर्नर में हार्ट रहता है। इट इज लाइक पंप, ये पंप की तरह दिखाई देता है, पंप की तरह ही काम करता है। देखो, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये अपने पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है लंग्स, अ ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स के दो फेफड़े होते हैं,
द लंग्स हेल्प द बॉडी टू ब्रीथ। लंग्स की मदद से हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं तब द एयर फील्स इन टू द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स के अंदर हवा भर जाती है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, एयर कम्स आउट द लंग्स। देखो यहाँ बताया हुआ है, व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर फील्स इन टू द लंग्स। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तब लंग्स के अंदर हवा भर जाती है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, एयर कम्स आउट ऑफ द लंग्स, और लंग्स से हवा बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है स्टमक। वी हैव अ स्टमक, इट लुक्स लाइक अ बैग, ये बैग की तरह दिखाई देता है अपना उधर पेट। द फूड वी ईट गोज इन टू स्टमक, हम जो खाना खाते हैं वो सारा स्टमक में अंदर चला जाता है। द स्टमक हेल्प द इन डाइजेशन ऑफ द फूड, और इसकी मदद से ही हमारे फूड जो हम खाना खाते हैं वो इसके अंदर डाइजेस्ट होता है। और देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली व्हेन वी कीप गुड केयर ऑफ देम, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम कब करेंगे, जब हम अपनी बॉडी का केयर करेंगे। ओके, यहाँ तक हो चुका है अपना। अब नेक्स्ट पीरियड में मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।